राधे राधे कृष्णा। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही खास टॉपिक पर वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत ही नॉलेजबल वीडियो है कि हमारे भगवान कृष्ण जो हैं, अगर उनके भक्त के मन में जरा भी स्वाभिमान, मतलब स्वाभिमान नहीं, अहंकार अगर जागृत हो जाए तो चुटकियों में उस अहंकार को तोड़ देते हैं। भगवान उस पर कृपा करते हैं जिसका अहंकार तोड़ना चाहते हैं, और अहंकार तोड़ने के लिए वो सभी तरह के प्रयोग करते हैं। आपको वो हंसाएंगे भी, रुलाएंगे भी, सुख भी देंगे और दुख भी देंगे। अगर आप भगवान के भक्त हैं या भगवान से आपने किसी भी भगवान कृष्ण से आपने किसी भी तरीके का रिश्ता जोड़ा है, तो यकीन मानिए कि दुनिया में हर कोई साथ छोड़ सकता है, लेकिन कृष्ण, राधे कृष्ण जो है, वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ सकते। आप बेशक उन्हें भूल जाइए, लेकिन वो हमेशा आपकी सहायता के लिए तैयार रहेंगे। और उनकी शक्तियों का मैंने रियल जीवन में अनुभव किया है, महसूस किया है, इसलिए मैं इतने कॉन्फिडेंस से इस बात को कह पा रहा हूँ कि वो सदैव आपकी हेल्प करते हैं। लेकिन अगर आप गलत रास्ते पर चलते हैं, तो उसका परिणाम, उसका रिजल्ट भी आपको देते रहते हैं, तुरंत के तुरंत, हैंड टू हैंड। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि मेरे भक्त दोबारा से पापों का घड़ा उनका बने और वो भरे, और उसके बाद एकदम उन्हें परिणाम सामने आए और एकदम परेशान हो जाए। तो इसलिए वो समय समय पर उसे रिसाइकल करते रहते हैं, ताकि दोबारा से मेरा भक्त मेरी राह पर चल पड़े। हम अभी टॉपिक पर बात कर रहे थे कि भगवान कृष्ण ने किस तरह से माता रुक्मिणी का, सुदर्शन चक्र का और भगवान गरुण का अहंकार तोड़ा था। इन तीनों ने एक बार अहंकार किया था कि भगवान हमसे ही पूरे होते हैं। अगर हम भगवान की मदद ना करें, हम भगवान की हेल्प ना करें, सहायक ना बने, तो भगवान सृष्टि को चलाने में असमर्थ हो जाएंगे। जैसे कि गरुड़ ने कहा कि मेरे ही वजह से भगवान इतनी मीलों की यात्रा चुटकियों में, मिनटों में कर सकते हैं, सेकंडों में कर सकते हैं। मेरे बा जो स्पीड है मेरी, वो किसी की नहीं हो सकती। सुदर्शन चक्र ने अहंकार किया कि मुझसे बड़ा शस्त्र इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है, और मेरे ही बल से भगवान दूसरे का विनाश करते हैं। माता रुक्मिणी ने अहंकार किया कि एक मैं ही हूं जो कृष्ण का सबसे ज्यादा ख्याल रखती हूं, उसके अलावा ब्रह्मांड में इतना प्रेम करने वाला, इतना ध्यान रखने वाला शायद कोई और नहीं है। भगवान कृष्ण है वो तो हर व्यक्ति के मन की जानते हैं। उन्होंने उनके मन की भाप ली और उन्होंने कहा ठीक है, ऐसी बात है तो देखते हैं। उन्होंने गरुड़ से कहा, गरुड़ को बुलाया और कहा कि जाओ उस पर्वत पर हनुमान जी रहते हैं, और उन्हें बुलाना कि तुम्हें श्री राम ने याद किया है, इस जन्म में जो श्री कृष्ण है उन्होंने आपको याद किया है। गरुड़ मन की गति से चल पड़े और वहां पहुंचे। मन की गति से मतलब बहुत तेज स्पीड से, मन की गति सबसे तेज होती है, लेकिन वो एक अपनी अच्छी स्पीड से चल पड़े। हो सकता है मन की गति से ही चलते हो। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने हनुमान जी से कहा कि चलिए। उन्होंने देखा कि ये तो बूढ़ा है, ये तो बूढ़ा बानर है, तो कि चलिए आपको भगवान ने बुलाया है। हनुमान जी ने कहा ठीक है आप चलो, मैं आता हूँ। उन्होंने कहा कि आप बूढ़े हैं, आप इतनी दूर नहीं जा पाएंगे, थक जाएंगे रास्ते में, इसलिए आप मेरे ऊपर बैठ जाइए, मैं आपको पहुँचा देता हूँ। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं है, आप जाइए, मैं आता हूँ, थोड़ी देर से आ जाऊँगा। अहंकार के भरे गरुड़ चल दिए। जब गरुड़ दरवाजे पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि हनुमान वहां मौजूद थे। वो देखकर हक्का बक्का रह गए कि हनुमान जी मेरे मुझसे भी ज्यादा स्पीड से चल सकते हैं। तो उनका अहंकार यहां चूर चूर हो गया कि इसका मतलब है कि भगवान तो इनके साथ भी रहकर मुझसे ज्यादा स्पीड से काम कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं इतनी स्पीड से, तो मैं तो यूं ही अहंकार कर रहा था। हनुमान जब गेट के आगे बढ़े, तो वहां सुदर्शन चक्र पहरा दे रहे थे। उन्होंने रोका और कहा आप आगे अंदर नहीं जा सकते, भगवान तो हनुमान, तो हनुमान है, उन्होंने जब सूर्य को रख लिया तो उनकी क्या औकात। तो
तो जो सुदर्शन चक्र था उन्होंने उसे मुख में रख लिया और मुख में रख कर आगे बढ़ गए। जब उन्होंने आगे देखा तो भगवान कृष्ण के साथ रुक्मिणी जी विराजमान थी, माता रुक्मिणी बैठी थी। तो उन्होंने कहा कि भगवान मैं ये क्या देख रहा हूँ, माता सीता कहाँ है? और इतना सुनकर रुक्मिणी का जो अहंकार था वो चूर चूर हो गया। उन्होंने उनके मन में एक ख्याल आ गया कि इसका मतलब है कि मुझसे भी ज़्यादा प्रेम करने वाली कोई और है। उन्होंने कहा कि आपको रास्ते में आते हुए दरवाजे पर किसी ने रोका नहीं? तो उन्होंने हनुमान ने कहा हाँ रोका था। उन्होंने मुंह से निकाला कि इसने मुझे रोका था। और सुदर्शन चक्र को बहुत शर्मिंदगी हुई कि मुझसे भी बड़ा अस्त्र तो मेरे सामने है, और ऐसे में उन तीनों का अहंकार चूर चूर हो गया। तो भगवान कृष्ण अपने भक्त पर जब कृपा करते हैं तो अहंकार नहीं टिकने देते। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।